तो चलते हैं फ्रेंड, इसको रख देते हैं और दिखाती हूँ कि हमारे घर में क्या क्या बन रहा है। तो आप सब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर। तो ये देखिए दोस्तों, इतना सारा अंडा है। और हमारे चैनल पर ब्लॉग नहीं आ पा रहा था क्योंकि हमारे चैनल पे स्ट्राइक था, तो इसलिए दोस्तों नहीं ब्लॉग डाल पाई थी, इसके लिए हम रियली सॉरी। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे देखिए, आज मैं न्यू कंघी से बाल कंघी कर रही हूँ क्योंकि करवा चौथ का है ये कंघा, तो मैंने उसी दिन झाड़ा था जब से नहीं झाड़ा था करवा चौथ वाले दिन। तो अभी अभी नेक्स्ट में नहा के निकली हूँ फ्रेंड, आज लेट हो गई हूँ क्योंकि साफ सफाई क्लीनिंग कर रही थी, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गई हूँ। तो बस तैयार व्यार नहीं होना है, बस ऐसे ही बाल कंघी कर ले रही हूँ। तो चल गई हूँ खाना बनाने, बज चुके हैं डेढ़ बज गए। मैं आपको घड़ी दिखाती हूँ वरना यकीन न होगा। देखिए दोपहर का डेढ़ बज चुके हैं, अभी तक हमारे घर में कुछ भी ना बना है। तो थोड़ा से सिंदूर लगा लेती हूँ क्योंकि जरूरी है सिंदूर लगाना, बाल धुली थी ना तो मांग खाली नहीं रहना चाहिए हमेशा। अंडा क्योंकि मुझे बनाना भी नहीं आता और मैं खाती भी नहीं हूँ, तो चलती हूँ दिखाती हूँ अपने लिए मैं क्या बना रही हूँ, आइए। पर हाँ, अंडा बनेगा तो आपको जरूर दिखाएंगे कि क्या मतलब। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने चावल बना रखा है, यहाँ रखा भी पका नहीं है दोस्तों। और यहाँ पे मैं दलिया बना रही हूँ अपने लिए, गेहूं का दलिया। आज मेरा मन हुआ कि दलिया और दूध, मतलब कि चावल की जगह, तो आज हमारा मन है कि दलिया और दूध खाऊं। तो अपने लिए मैं बना रही हूँ दलिया और सबके लिए चावल बना रही हूँ। बाकी का जो लोग अंडा खाएंगे वो अंडा बनाएंगे, मैं नहीं बनाने वाली हूँ दोस्तों। ना ही मुझे बनाना आता है और ना ही मैं खाती हूँ मुर्गा अंडा, मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। मतलब खाती हूँ बकरा, खाती हूँ बकरा खाती हूँ और मछली भी खाती हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं भक्ति हूँ कुछ भी नहीं खाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हाँ, सिर्फ मुर्गा और अंडा और जो बहुत सारी मीट होती है, बहुत सारे तरीके का होते हैं, वो सब मैं नहीं खाती। बाकी मैं खाती हूँ सिर्फ दो चीज, एक मछली और एक बकरा। क्योंकि पहले तो दोस्तों मैं मछली बकरा भी नहीं खाती थी, पर कुछ यही एक साल डेढ़ से मैं खाने लगी हूँ क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी ना, तो डॉक्टर ने बोला कि अंडा खाओ मुर्गा खाओ, मतलब बहुत ज्यादा हमारे ब्लड का कमी हो गया था, तो इसके कारण से मुझे खाना पड़ा। कम से कम मुझे एक साल तो पचाने में लग गया था दोस्तों, मुझसे पचता ही नहीं था क्योंकि मैंने कभी खाया नहीं था ना। और यहाँ पे ना ये दलिया जो है डाल गए हैं, इसी को साफ कर रहे हैं। तो फ्रेंड रोटी मैं बना देती हूँ, बाकी के लोग अपना बनाएंगे मुर्गा और अंडा जो भी खाना होगा। पर यहाँ पे देखिए दलिया का पानी बहुत सारा गिर गया है नीचे, तो इसको हमें साफ करना पड़ा क्योंकि मैं चढ़ा के चली गई थी बाल कंघी करने चली गई थी, तभी ये गिर गया। मैं सोचा कि इतनी जल्दी तो गिरेगा नहीं, जब तक चावल बलकता है जब तक मैं थोड़ा से बाल कंघी कर लूं ताकि बाल खाना वाना में ना गिरे, क्योंकि आज लेट भी हो गई थी काफी। अब चलते हैं फटाफट रोटी बना लेते हैं। साफ सफाई के चक्कर में ना इतना ज्यादा लेट हो गई हूँ खाना बनाने के लिए कि इतना कभी लेट होती नहीं थी, आज पहला दिन है जो मैं इतना लेट हो गई हूँ। और क्यों हुई हूँ वो आप सभी के साथ बताई दी हूँ कि
साफ सफाई कर रही थी घर का, अभी पूरा हुआ भी नहीं है, अभी थोड़ा ही बहुत हो पाया है क्योंकि अकेले रहती हूँ ना, तो इसलिए कर भी नहीं पाती हूँ। अभी कोई साथ में हो तो वो करा ले, बच्चे हैं वो चले जाते हैं पढ़ने, वरना थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं। और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं नौकरा निकल लूँ जो साफ सफाई कर दे, खुद से अपने हाथों से ही करती हूँ। पर हाँ थोड़ा थोड़ा करती हूँ, दीपावली तक मैं कर लूंगी आसानी से। और फटाफट मैं रोटी बेल रही हूँ दोस्तों, डाल दिया पकने के लिए। इसी तरीके से फटाफट मैं रोटी बना के फिर अपना खाना मैं बाहर रख लूंगी, फिर जिसको अंडा खाना है वो बनाएगा खुद ही। अरे मेरे को छोड़ के बाकी फैमिली में सभी लोग खाएंगे, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ मैं ही नहीं खाती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं करता अंडा खाने का, और जब अंडा बनाते हैं ना तो उसकी महक भी बिल्कुल मुझे नहीं अच्छी लगती, पसंद नहीं आती। और मछली बकरा का भी अगर बनता है तो उतना भी खुशबू नहीं पसंद आता है, लेकिन फिर भी मजबूरी में खाने लगी। और जब से खाने भी लगी हूँ ना तब से मोटी भी हो गई, वरना मैं ऐसे ही थी सच में। मेरा वेट अब छोड़ो ना, इस बात को नहीं बताएंगे, कभी आप सब बोलोगे तो मैं बताऊंगी। गर्म में गर्म रोटी, तंदूरी तो नहीं है पर तंदूरी जैसा। तो फ्रेंड हमने सारी रोटियां बना ली है और 2:15 होएगा है, मतलब कि 2:30 बजने वाले हैं। और हस्बैंड जी शायद आ चुके हैं पर अभी कमरे में नहीं आए हैं, कहीं किसी से बात कर रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ कि आज लेट आए हैं, वरना वो 1:30 बजे 2 बजे आ जाते हैं, मेरे को खाना बनाने में बहुत लेट हो जाता। तो ये देखिए पूरा डब्बा भर के एक डब्बा रोटी बनाई हूँ, और अपने लिए गेहूं का दलिया का चावल बनाई हूँ, और बाकी सब लोगों के लिए चावल बनाई हूँ। ये है गेहूं का दलिया, जिसको मेरा मन था दूध चावल खाने का, मतलब कि दलिया का चावल है गेहूं का, एक तरीके से दलिया बोल सकते हैं कि अपने लिए दलिया बनाया हूँ, लेकिन बिना मसाले वाला और तेल वाला, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे दलिया मैंने बॉयल कर लिया है और इसी को खाने वाली हूँ। और अपना खाना बाहर रख लूंगी, बाकी का मैं जा रही हूँ किचन छोड़ के, और जिसको जिसको खाना है अपने आप खुद बनाएगा। ए दोस्तों ना खाने का फायदा यही है कि बनाना भी नहीं पड़ता वरना तो बनाना भी पड़ेगा, खाना भी पड़ता और बनाना भी पड़ता। तो यहाँ पे मैंने रोटी बना ली है दोस्तों, चलते इसको रख देते हैं। और आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए, मिलते हैं ब्लॉग के साथ, तब तक टाटा बाय बाय, लव यू, अपना